हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 12 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और 12वां आपका चैप्टर था मृदा संसाधन। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के बारे में दिया गया था। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग परिवहन तथा संचार व्यवस्था के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परिवहन की व्यापक व्यवस्था है। प्रदेश में सड़क की कुल लंबाई 1,27,108 किलोमीटर है, जिसमें 17,729 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 9,022 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 471 किलोमीटर जिला सड़कें और 72,931 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। विदेश में रेल मार्ग एवं हवाई परिवहन की समुचित व्यवस्था है। तो सबसे पहले बात करते हैं सड़कों के बारे में। सड़कें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है 17,729 किलोमीटर, जो कि कुल पक्की सड़कों का 13.95% है। राष्ट्रीय राजमार्ग विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन UPSRTC के बारे में। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन बन किया गठन किया संगठन का। ठीक है, इस संगठन में प्रदेश में पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से वाराणसी के लिए शुरू की गई। वर्ष 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। निगम का मुख्यालय लखनऊ है, जिसका नियंत्रण एवं निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रदेश में इसके कुल 20 क्षेत्र हैं, जिनका नियंत्रण DRM द्वारा किया जाता है। इन 20 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदेश में 106 डिपो हैं। निगम द्वारा मुक्ता प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी बस सेवाओं का संचालन किया जाता है, किंतु यात्रियों की मांग पर सीमित संख्या में राष्ट्रीयकृत सड़कों पर भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निगम के विशाल बेड़े में सामान डीलक्स तथा AC आदि सभी प्रकार की बसें हैं, जिसके माध्यम से लोकल, नगरीय एवं अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निगम द्वारा केंद्र एवं राज्य विधानमंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों, मेडल प्राप्त पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों, विकलांगों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, एक सहवर्ती सहित स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र एवं राज्य पुरस्कृत शिक्षकों तथा 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इन बसों में। ठीक है, निगम का केंद्रीय कार्यशाला एवं वापसी शिक्षण संस्थान आपका कानपुर में है। महानगरीय बस सेवा के लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद आदि बड़े नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। बात करते हैं हम लोग आपके राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। ये हैं आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम, ये राष्ट्रीय मार्ग संख्या और ये कुल लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, वाड़ी, पलसित, वेदावती, बारा कोलकाता तक 756 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, फिर राष्ट्रीय
मार्ग संख्या 3 ये आगरा ग्वालियर शिवपुरी इंदौर धुले नासिक ठाणे मुंबई तक, उत्तर प्रदेश में इसकी 28.86 किलोमीटर है। ठीक है, फिर NH7 ये वाराणसी मनगवा रीवा जबलपुर लखनादौन नागपुर हैदराबाद कुर्नेल बंगलोर कृष्णागिरी सलेम डिंडीगुल मदुरई कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तक। इसकी यूपी में कितनी लंबाई है, 125.20 किलोमीटर। फिर है आपका NH11 NH11 आगरा जयपुर बीकानेर, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 42.36 किलोमीटर। फिर है NH19 गाजीपुर बलिया हाजीपुर पटना में, इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश में 127.40 किलोमीटर। NH24 दिल्ली बरेली लखनऊ 491 किलोमीटर लंबाई है इसकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है याद रखिए। फिर है NH25 लखनऊ कानपुर झांसी शिवपुरी, इसकी 254.60 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई। फिर है NH26 झांसी ललितपुर लखनादौन 131 किलोमीटर है, 131.69 किलोमीटर है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर है आपका NH27 इलाहाबाद मनगवा 45.52 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई। NH28 ये लखनऊ फैजाबाद बस्ती गोरखपुर गोपालगंज मुजफ्फरपुर मोकामा, इसकी है उत्तर प्रदेश में लंबाई 367.57 किलोमीटर। फिर NH29 यह वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर से जाता है 209.09 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई। फिर NH56 लखनऊ हैदरगढ़ जगदीशपुर सुल्तानपुर वाराणसी 276.70 किलोमीटर है इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई, याद रखना ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। फिर NH आपका 58 ये गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार बद्रीनाथ मानापास से जाता है 134.35 किलोमीटर है इसकी लंबाई। आपका है 73 यानी कि 73 ये रुड़की सहारनपुर यमुनानगर साहा पंचकूला से जाता है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 48.89 किलोमीटर। फिर है 74 यानी कि 74 NH74 तो हरिद्वार नजीबाबाद अफजलगढ़ जहानाबाद पीलीभीत बरेली से जाता है 180 किलोमीटर है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में। NH75 ग्वालियर झांसी छतरपुर रीवा, इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 17.14 किलोमीटर। फिर है आपका 76 NH76 ये फिडवारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा शिवपुरी झांसी इलाहाबाद, इसकी लंबाई है 373.37 किलोमीटर। NH86 कानपुर छतरपुर सागर 144.70 किलोमीटर है इसकी लंबाई, याद रखना ये उत्तर प्रदेश में केवल है, ठीक है। फिर NH87 रामपुर बिलासपुर पंतनगर हल्दानी नैनीताल, इसकी लंबाई है 42.60 किलोमीटर। फिर है NH91 गाजियाबाद बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर 408.40 किलोमीटर है इसकी लंबाई। NH52 वेवर एटावा ग्वालियर, इसकी 73.40 किलोमीटर है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में, ठीक। फिर है आपका 93 NH93 आगरा अलीगढ़ बबराला चंदौसी मुरादाबाद 233 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर है 96 NH96 अयोध्या फैजाबाद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ इलाहाबाद 193.79 किलोमीटर है इसकी लंबाई। NH97 गाजीपुर जमानिया सैयद राजा, इसकी 56.20 किलोमीटर है। फिर है आपका NH24 से लखनऊ बाईपास 10.79 किलोमीटर है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
फिर 75 ए है, ए रीवा, रेनुकूट, गरवा, डाल्टनगंज, रांची। 91.27 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई। फिर है 58 ए, दिल्ली गाजियाबाद वाया मोहन नगर, 11.30 किलोमीटर है इसकी। 72 ए, छोटमलपुर मोहंद देहरादून, 33 किलोमीटर है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में। फिर है 2 ए, NH 2 ए, 12 अकबरपुर सिकंदरा, 39.90 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 56 ए, लखनऊ बाईपास, 22.85 किलोमीटर है इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सड़क विकास परियोजनाओं की, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम, संस्थाएं हैं, उन्हें देखते हैं। तो याद रखना, मार्ग विकास नीति 1998 को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी इस नीति के अनुसार मार्गों के बेहतर अनुरक्षण के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री कर की दरों में वृद्धि से प्राप्त धनराशि से एक सड़क निधि की स्थापना की गई। इस नीति में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मार्गों के नवीकरणीय समय अवधि निर्धारित कर दी गई, जिसके अनुसार राष्ट्रीय मार्गों का नवीकरण प्रत्येक 3 वर्ष बाद, राज्य मार्गों का प्रत्येक 5 वर्ष बाद और मुख्य जिला मार्गों का प्रत्येक 6 वर्ष बाद तथा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का प्रत्येक 8 वर्ष पश्चात किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1,000 किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा। ठीक है, नीति में मार्ग एवं पुल के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को नोडल संस्था के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा उसके द्वारा BOT के आधार पर योजनाओं को तैयार किया कराया जाएगा। यातायात के क्षेत्र में हुई तकनीकी विकास एवं पिछले नवीन विधियों को अपनाए जाने की आवश्यकता समझते हुए 1998 के मार्ग विकास नीति में थोड़ा परिवर्तन करते हुए 2010 में मार्ग विकास नीति 2010 प्रस्तावित किया गया। आगे ग्रामीण मार्गों एवं सेतुओं के लिए नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संस्थागत ऋण प्राप्त किए जाने का प्रयास किए जाएंगे। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में, NHDP के बारे में। दिसंबर 2000 से प्रारंभ किए गए इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। विश्व की सबसे बड़ी एकल राजमार्ग परियोजना में 5,846 किलोमीटर का सौर चतुर्भुज, जो चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है, तथा 7300 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा सम्मिलित है, जो क्रमशः श्रीनगर, कन्याकुमारी तथा सिलचर, पोरबंदर को जोड़ता है। किसे किसे? श्रीनगर कन्याकुमारी को और सिलचर को पोरबंदर को। ठीक है, याद रखना, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे के 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के पश्चात लखनऊ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का और लखनऊ के पश्चात झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती हैं, जबकि कोलकाता से चलने वाली 4 लेन की स्वेडम चतुर्भुज सड़क वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर तक यहीं पर 6 लेन के पूर्वी पश्चिम गलियारे से मिलती है और कानपुर होते हुए दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का अनुसरण करती है, GT रोड का। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राज्य सरकार द्वारा इस कॉरपोरेशन का गठन राज्य में एक्सप्रेस वे के विकास के लिए किया गया है। राज्य का पहला एक्सप्रेस वे 2003 में नोएडा गेटर नोएडा के बीच बनाया गया था। यह एक्सप्रेस वे कॉरपोरेशन के गठन से पूर्व ही बनाया गया था। फिर है आपका यमुना ताज एक्सप्रेस वे
नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर 100 मीटर चौड़ी 6 लेन की सड़क निर्माण की यह परियोजना पीपी के आधार पर बनाई गई। 9 अगस्त 2012 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के विकासकर्ता जेपी समूह को इस पर 36 वर्षों तक टोल टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया। फिर आपका गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, गंगा किनारे नोएडा से बलिया तक 1,047 किलोमीटर एवं 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के आधार पर जीपी ग्रुप द्वारा बनाए जाने का प्रस्तावित है। यह सड़क बलिया से होकर गाजीपुर, रामनगर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ऊंचाहार, उन्नाव, कानपुर, विठोर, कन्नौज, फतेहपुर, बदायूं, नरोरा, बुलंदशहर से होते हुए नोएडा में समाप्त होगी। इसके बन जाने के पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश दिल्ली से 10 घंटे दूरी पर आ जाएगा। ठीक है, फिर है आपका अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे। पीपीपी आधार पर ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण अपर गंगा नहर के दाएं तट पर किया जाना है। उत्तर प्रदेश की में इसकी लंबाई 216 किलोमीटर होगी। शेष उत्तराखंड में होगी। उत्तर प्रदेश में इसके दो भाग होंगे, एक 149 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तथा दूसरा 67 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे। प्रदेश सरकार की योजना इस एक्सप्रेसवे को गाजियाबाद के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। प्रदेश प्रवेश नियंत्रित 8 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे में से 5 लिंक एक्सप्रेस भी जोड़ने का प्रस्ताव है। फिर आपका उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण। प्रदेश में राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से जून 2004 में इस प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राधिकरण के गठन के समय 1,000 करोड़ की पूंजी रखी गई थी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेल परिवहन की। कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई। 1950 में देश में कुल 8 जोन थे, जो कि वर्तमान में 18 हो गए। ठीक है, इस 17 जोनों में से 5 रेल जोनों की लाइन प्रदेश से गुजरती है। उत्तर रेल, मध्य रेल, पश्चिम रेल, पूर्वोत्तर रेल और उत्तर मध्य रेल, इन 5 रेल जोनों में से 2 के मुख्यालय आपके उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी, टुंडला, गोंडा, फैजाबाद, बरेली, ओडिहार आदि मुख्य रेल पथ जंक्शन है। भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में चौथे स्थान पर है। आगे बात करते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। इसकी मुख्य लाइनें निम्नलिखित हैं। एक लाइन गोरखपुर से बस्ती, गोंडा, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर होते हुए आगरा तक जाती है। इसकी दूसरी लाइन सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, पीलीभीत होते हुए बरेली तक जाती है। तीसरी लाइन आगरा से बरेली होते हुए काठगोदाम तक जाती है। इसकी एक शाखा इलाहाबाद वाराणसी होते हुए कटनी तक जाती है। एक अन्य शाखा वलिया से वाराणसी की को जाती है। ठीक, फिर बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे। तो इस नए रेलवे जोन का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। 1 अप्रैल 2003 में ठीक बनाए। इससे जुड़े मंडल की बात करें तो इलाहाबाद, आगरा,
और झांसी है आपका। आगे बात करते हैं, विदेश। विदेश में विभिन्न जोनों के कुल 9 रेल मंडल हैं। उत्तर रेल रेलवे के मुरादाबाद तथा लखनऊ मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर, बरेली, लखनऊ तथा वाराणसी मंडल, पूर्वी मध्य रेलवे के मुगलसराय मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद, आगरा और झांसी मंडल। इन मंडलों में सबसे छोटा मंडल आपका मुगलसराय है, जो देश का सबसे छोटा रेल मंडल है। ठीक है, विदेश सरकार के सहयोग से रेल ने बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाली पर्यटकों हेतु बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस शुरू की थी। यह रेलगाड़ी कौशाम्बी, इलाहाबाद, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर होती हुई लखनऊ तक की यात्रा 5 रात 6 दिनों में पूरी करती है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसमें 26 कोच लगे होते हैं, यह नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए प्रतिदिन चलती है। याद रखना है आपको, ठीक है। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड आपका मुगलसराय में है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम लोकस ऑन हिल्स सुविधा नई दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में 1994-95 में प्रारंभ हुई थी। विदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मुड आरडी वाराणसी की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। गोरखपुर में रेल कोच रिपेयर कारखाना है। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद की स्थापना 1985 में की गई। राज्य में रेलवे में भर्ती हेतु 2 बोर्ड इलाहाबाद और गोरखपुर में है। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय आपका वाराणसी में है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। राज्य में लखनऊ स्टेशन का निर्माण 1926 में किया गया। राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब बात करते हैं हम लोग वायु परिवहन। विदेश में बमरौली इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह, अमौसी लखनऊ, चकेरी कानपुर, बाबतपुर वाराणसी, आगरा गोरखपुर, बरेली झांसी सहारनपुर में हवाई अड्डे हैं। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, इसके अंतर्गत यहाँ हवाई अड्डा, विद्यालय एवं संचार विद्यालय भी है। फिर बात करते हैं जल परिवहन। विदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है। विदेश में कुछ बड़ी नहरों में भी नौका चालन होता है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी में इलाहाबाद यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया है। ठीक, फिर बात करते हैं संचार व्यवस्था के बारे में। संचार साधन परिवहन के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में संचार साधनों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हुआ है। संचार के साधनों में मुख्य रूप से डाक सेवाएं एवं दूरभाष सेवाएं आती हैं। यहाँ डाकघरों की संख्या 17,627 है। बढ़ती हुई डाक सामग्री को देखते शीघ्र तथा सही ढंग से पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1972 में आरंभ किए गए डाक सूचक अंक पिन कोड के आधार पर विदेश के डाकघरों का सूचक अंक निर्धारित किया गया। डाकघरों में डाक लाने ले जाने के अतिरिक्त बचत बैंक, जीवन बीमा जैसी पूंजी निवेश के कार्य भी किए जाते हैं। दूर संचार, देश में दूर संचार सेवाएं टेलीग्राफी और टेलीफोन के आविष्कार के कुछ समय उपरांत ही आरंभ हो गई थी। मार्च 1854 में आगरा एवं कलकत्ता की मध्य टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजे
जाने से विदेश में भी दूर संचार का युग आरंभ हुआ था। तब से इन सेवाओं में निरंतर वृद्धि जारी है। राज्य में स्थानीय लंबी दूरी हस्तचालित ट्रक सेवा, मांग ट्रैंक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा भी महत्वपूर्ण नगरों में उपलब्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल बहुप्रतीक्षित मोबाइल फोन सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी ने 19 अक्टूबर 2002 को किया। श्री वाजपेयी ने लखनऊ से नई दिल्ली में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मोबाइल फोन पर बात करके निगम की देशव्यापी सेवा का उद्घाटन किया था, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से वाराणसी के लिए शुरू की थी, याद रखना है 15 मई 1947 को। कहाँ से? लखनऊ से वाराणसी के लिए। 20 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 106 डिपो हैं। निगम का केंद्रीय कार्यशाला व प्रशिक्षण संस्थान आपका कानपुर में है, याद रखिए। कानपुर छतरपुर सागर की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई, कुल संख्या 100 कानपुर छतरपुर सागर की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 144.70 किलोमीटर है। प्रत्येक बस 1000 किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे की लागत है 12,839 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जून 2004 में गठन किया गया। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है। रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, पूर्वी भारत की सबसे अधिक लंबी रेलगाड़ी आपकी प्रयागराज एक्सप्रेसवे है। और भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय है। गोरखपुर में एक कोच रिपेयर कारखाना है। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय आपका वाराणसी में है। राज्य में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। विदेश की गंगा यमुना घाघरा गोमती नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है। परिवहन के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संचार के साधनों का विकास भी काफ़ी तेजी से हुआ है। डाकघरों की संख्या 17,627 है। विदेश में दूरभाष केंद्रों की संख्या कुल संख्या है 3,117 के करीब। भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, 29 अक्टूबर 2002 को किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी से संबंधित आपके जो कुछ प्रश्नमाला हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो याद रखिए, गंगा यमुना में, गंगा घाघरा में, घाघरा गोमती में, सभी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश बिहार की सरकार से। क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, इलाहाबाद, अब इसे प्रयागराज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो आपको बता देना है, उत्तर पूर्वी रेलवे का, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? तो याद रखना, लखनऊ नहीं जुड़ा हुआ है, वाराणसी जुड़ा है, आगरा इलाहाबाद जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया कब? तो याद रखना, 1 जून 1972, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ योजना निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो याद रखिए,
सड़कों द्वारा, सड़कों के, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, उत्तर प्रदेश में आगरा जिला किस रेलवे जोन में आता है? तो याद रखिए उत्तर मध्य रेलवे, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिए NH7, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो याद रखना बाबतपुर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिए 12 में आपका लखनऊ है, सी ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, लखनऊ, अलीगढ़ आता है, कानपुर, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कितने क्षेत्र हैं? तो आपको बता नहीं है 20, क्या है, बी ऑप्शन 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो याद रखिए सड़क परिवहन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है इलाहाबाद, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ सही है, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, ये नहीं है, चकेरी हवाई अड्डा आगरा, ये है। तो इसमें क्या होगा, 16 का आपका सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बता देना है इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 18, है राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बता देना है गौतम बौद्ध नगर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? तो याद रखना इलाहाबाद से बलिया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, देश में भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्र वर्तमान में कार्यरत हैं, कितने रेलवे क्षेत्रों के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, तो इसमें से आपके हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 17,739 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कितने डिपो हैं? तो यह है आपके 106 के करीब, ठीक है, लगभग। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 27 इलाहाबाद मनगवा की कुल लंबाई कितनी है? याद रखिए 42.36 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, यमुना ताज एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको बता देना है 24 का होगा 165 किलोमीटर। राज्य में लखनऊ रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ है? तो याद रखिए ये हुआ था आपका 1926 में, ठीक है, डी ऑप्शन है। याद रखिए ऐसे की पॉइंट पकड़ लिया करिएगा जो स्थिर हैं, जो करंट अफेयर्स में बदलते रहते हैं उनसे अपडेट बना रहिएगा, जिससे आपके पूरे होते रहें, ठीक है। तो चलिए ये था आपका परिवहन एवं संचार व्यवस्था। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध नगर उत्तर प्रदेश के और पर्यटक स्थल, ठीक है।